बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। तो सीधी सी बात है, 50,000 एक ऐसा बजट है। इस बजट में आपको बहुत सारे लैपटॉप्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से परफेक्ट कोई एक लैपटॉप चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम है ना आपके मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए, इसलिए तो आपने सब्सक्राइब किया है। क्या अभी तक नहीं किया तो करो, रेगुलर व्यूअर बनो, अभी करो ताकि आप भूल ना जाओ। तो अभी हम बात करते हैं लैपटॉप्स की। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें नंबर के लैपटॉप से, जो कि है HP 14। तो दोस्तों इसमें आपको 14 इंच की भी फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको Ryzen 5 5500U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 5th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं GPU की, तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाती हैं। और इसमें आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है 32 MHz की, और ये जो है वो DDR4 रैम है। इसमें आपको 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं रैम के, जिसमें से आपको एक खाली स्लॉट देखने को मिलेगा, और इसे आप एक्सपांड कर सकते हैं 16GB तक। और इसमें आपको 512GB की SSD देखने को मिल जाती है। और ये कौन सी टाइप की SSD आपको स्क्रीन पे दिखाई, और इसमें आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको MS ऑफिस देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं ये लैपटॉप किनको लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं। और इसमें आप मीडियम लेवल की गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप इस लैपटॉप को देख सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 52,450 रुपये का। मुझे पता है ये जो प्राइस है वो ज़्यादा प्राइस है, लेकिन अगर आप इसमें ऑफर्स लगाओगे या फिर इसे ऑफर में लोगे तो ये आपको 50 तक मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, आप आगे वाले लैपटॉप्स देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है Redmi Book Pro। तो दोस्तों इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको इंटेल i5 11th जनरेशन 11300H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं GPU की, तो इसमें आपको इंटेल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलेगा। 8GB की रैम देखने मिल जाएगी, ये भी रैम आपको 3200 MHz की रैम देखने को मिलने वाली है। सारी लैपटॉप में आपको 3200 MHz की रैम देखने को मिलेगी। 512 की आपको SSD देखने को मिल जाती है, विंडोज 10 देखने को मिलता है, MS ऑफिस आपको 2019 का देखने को मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक लेवल के आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसे किस किस को लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था पांचवें लैपटॉप में कि जिसको ऑनलाइन क्लासेस करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, फोटोशॉप चलाना है, कोडिंग करना है, और मतलब नॉर्मल एडिटिंग्स करनी है और नॉर्मल गेमिंग करनी है, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि Redmi का अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आप गेमिंग ना ही करें तो ठीक है, मतलब चला तो लेगा पर गेमिंग इतनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप Ryzen के प्रोसेसर के साथ में जा सकते हैं। तो ये आपको 48,990 का देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस। अगर आपके ऑफर में कम प्राइस में देखने को मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है डेल न्यू 2021। तो दोस्तों इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इंटेल i3 11th जनरेशन आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं GPU की, तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, और इसमें आपको 16GB की रैम देखने को मिल जाती है, 256GB की आपको SSD देखने को मिल जाती है, और 1TB की आपको HDD देखने को मिल जाती है। और ये जो दोनों ही चीज़ें उन्हें आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और विंडोज 11 आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको MS ऑफिस 2021 का देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको 32GB की पेनड्राइव आपको फ्री मिलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं ये लैपटॉप किस किस के लिए। तो जो कोई कोडिंग करना चाहता है, अकाउंटिंग करना चाहता है, वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है, फोटोशॉप करना चाहता है, वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, और जो भी मतलब छोटे मोटे काम होते हैं वो करना चाहता है, तो उसके लिए लैपटॉप बेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइस की, तो ये आपको 48,399 का देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे ऑफर में लेते हैं तो आपको एक बढ़िया डील मिलेगी। दोस्तों जो तीसरा नंबर का लैपटॉप था उसे और सेकंड नंबर के लैपटॉप में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई, आपके हिसाब से आप देख लेना। लेकिन दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 5। तो दोस्तों इसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसमें आपको इंटेल i5 देखने को मिलता है 11300
5G7 ये प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। इसी के साथ साथ इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलने वाली है। 8GB की रैम देखने को मिलेगी जो कि 32 MHz की आपको रैम देखने को मिलेगी। इसमें आपको 1TB की HDD देखने को मिलेगी, विंडोज़ 11 देखने को मिलेगा, वाईफाई 6 देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप बोलोगे कि भाई इसमें SSD चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये जो प्राइस पे आ रहा है 46,990, ये जो प्राइस पे ये कमाल की प्राइस है। और अगर आप इसमें SSD लगवा लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट लैपटॉप हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे पहले लैपटॉप की जो कि है Lenovo IdeaPad 3। दोस्तों इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है सीधी सी भाषा में। और 8GB की रैम देखने को मिल जाती है और आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं 12GB तक। DDR4 की ये रैम है। 512GB की आपको SSD देखने को मिलेगी और विंडोज़ 11 देखने को मिलेगा, MS Office 2021 देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा, बैकलेट कीवर्ड आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको नंबर पैड भी देखने को मिलता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो 50,000 की आपको प्राइस मिलती है अमेजोन पे, तो आप इसे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप चला सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और मतलब सारी काम इसमें आप आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सारी लैपटॉप बता दी, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इनके सब जो बाइक लिंक्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और पहली बता दूँ ये इसमें से कोई भी आपको एफिलिएट लिंक देखने को नहीं मिलेगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी लैपटॉप लेने में कन्फ्यूज ना हो। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।